हाइड्रोफेशियल, यस हाइड्रोफेशियल थोड़े 4,000, 3,000, 3,500 बचा सकती हाँ मैं। कितना जुड़े रहो मेरे व्लॉग के नाल, देखो आके मैं कई थानू नवी नवी तकनीक दसदी हाँ जिद नाल तुसी हाइड्रोफेशियल तो भुले जाओगे, थोड़ी स्किन जी इन्नी ज़्यादा ग्लो कर लग जूगी, इन्नी ज़्यादा प्लम्पी हो जूगी, इन्नी ज़्यादा शाइन रेडियंट हो जूगा, सब कुछ हो जूगा स्किन पर। बस जो मैं कहूँगी उही कॉपी करना है। हेलो जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं, शुरू करदी आं मैं अज दा व्लॉग। अज दा व्लॉग कुछ खास नहीं हैगा क्योंकि मैं अज सवेर दा ही कुछ शूट नहीं कीता। अज हैगा सैटरडे ते टाइम हो चुका आई थिंक 6:30 शाम दे, ते सवेर दे बस इदां ही नेस्ती पई आ कि गुरकीरत नहीं ठीक सी करके, क्योंकि वैदर इन्ना चेंज हो रहा है ना, मतलब कि तुहानूं नहीं पता कि तुसीं कदों बीमार हो जाणा। गला दुखदा आ, कोल्ड हो रहा आ, जुकाम हो रहा आ, तो एसी तो अंदर बार आप होंगे तो बहुत जल्दी इफेक्ट करती है वह चीज़। एंड अज का जो व्लॉग मैं थोनू हाइड्राफेशियल बारे कुछ दसना चाहनी हाँ। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होया हाइड्राफेशियल, बहुत लोग मैं ये चीज़ पूछते हैं कि हाइड्राफेशियल का की बेनीफिट है, सानू करा चाहिए या नहीं करा चाहिए। आप बारे गलबात करेंगे अपने सारे व्लॉग के भी, तो बाकी जो व्लॉग हैगा ही आप भी शूट कर लेंगे। सो जुड़े रहो मेरे न। इन्हू मैं कलर लिया के दिते कि चले कुछ बना लूगा, ड्राइंग कर लूगा। इन्हें सारे ही अरे लत्ता ते हैंडी खाओ, हैंडी दिखाई, हैंडी खाई, हैंडी कितने आ दिखाई, हैंडी कलर दिखा, सारे कलर किते पे सारे। वैसे तो मैं अपना बहुत सारा वेट रिड्यूस कर लिया है, गुरकीरत होने बाद ना मेरा बहुत भार बढ़ गया सीगा, तो मतलब मैं बहुत वेट मोटी बहुत ज़्यादा हो गई सी, तो हूँ तो मैं काफ़ी हद तक घटा लिया अपना भार। तो बट मैं सोच रही थी कि चल आज तो थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं शाम के टाइम की, तो अगर कोई वेट रिड्यूस करने के चाहता है कि असी वेट रिड्यूस करिए तो मैं कंटैक्ट कर सकता है। आप वधिया डाइट वेट रिड्यूस करने टिप्स सब कुछ दसांगे, उन्होंने चलना साढ़े अकॉर्डिंग पैना, तो थोड़ा जहा अपने मूड से भी कंट्रोल रखना पैना है। जिदा मैं अपन इंस्टा से फोटोज़ अपलोड करती हूँ जी, पहले मैं काफ़ी वेट गेन हो गया सीगा मेरा, तो सी सैक्शन भी होया इसलिए भी। एंड वैसे भी बेबी तो बाद हो ही जाती हैं मोटियाँ, एवरी तो नहीं होंगे चलो उदा मोस्टली हो ही जाएँ। तो अज तो स्टार्ट करती हूँ मैं थोड़ा जहा वर्कआउट जिन्ना भी टाइम मिलता है, फिर बनानी है रोटी। गुरकीरत के कपड़ों लैके मैं इंस्टाग्राम से बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे कि तुम ये कपड़े कितों बाय करते हैं, तो एक्चुअली ना यदा सब कुछ मैं ऑनलाइन बाय करती, फर्स्ट क्राई तो हॉपस्कॉच तो, कई बार मैं आजियो तो भी ले लैनी हूँ क्लॉथ टी शर्ट्स वगैरह, तो जिन्हें ये सैंडल्स वगैरह कुछ भी आप फर्स्ट क्राई तो ही बाय करते हैं। तो हॉपस्कॉच के मैं विंटर वाले कपड़े ज़्यादा बाय करती क्योंकि वे विंटर की क्वालिटीज़ ज़्यादा वधिया होंगी फर्स्ट क्राई के मुकाबले। तो फर्स्ट क्राई तो वैसे जिद जिन्हें भी इन्हें टी शर्ट्स या मतलब शॉर्ट्स या पजामे या जो कुछ भी फर्स्ट क्राई तो ये लेने क्योंकि प्राइस वाइज तो क्वालिटी वाइज भी फर्स्ट क्राई वधिया आ, तो थोड़ा फैशनेबल भी हैगा जो चीज़ वो आप लोकल मार्केट्स तो कदे भी नहीं मैनू मिलेगी। अज आप गल की हाइड्राफेशियल बारे, तो हाइड्राफेशियल बारे में अगर थोड़ा ये कह कि थोड़े पैसे बच सकते हैं, तुम हाइड्राफेशियल चाहते हैं करा, स्किन डल रही है, ड्राई रही है, तुम्हें की करना वो ये चीज़, ये वीडियो मतलब किसी चीज़ में स्पॉन्सर नहीं हैगी कि आप ऐड कर रहे हैं। तुसी पतंजलि की जैल लैनी आ, तुसी होर भी जैल जी मर्जी लै सकते हो, बट पतंजलि की थोड़ी रीजनेबल प्राइस आ जाती है, तो कैरी करनी भी सौखी है। तुसी पतंजलि की जैल लैनी है एंड उहदे विच तुसी ग्लिसरीन ऐड करना, किसी भी कंपनी का ग्लिसरीन लैके उहदे विच मिक्स करके दिन में भी ला सकते हैं, रात में भी अपने फेस से फेस वॉश करन तो बाद, टोनर की स्प्रे करन तो बाद, प्रॉपर सीटीएम करन तो बाद उन्होंने लगा सकते हैं, अपने फेस पर मसाज कर सकते हैं चंगी तरह। एंड तुसी थोड़े दिन बाद देखोगे कि थोड़ी स्किन दे विच की थोड़े दिन बाद की इंस्टेंट ही थोड़ी स्किन दे विच एक अलग ही ग्लो आऊगा। जिदा तुसी अपने आप को मतलब चाहते हैं कि हाइड्राफेशियल कराया थोड़ी स्किन दे विच इदां दा ग्लो आ जाना है। हाइड्राफेशियल मेन इनग्रीडियंट की होंदा है, हाइड्रोलिक एसिड। एंड हाइड्रोलिक एसिड सब तो ज़्यादा मात्रा कि होंगी है ग्लिसरीन दे विच, तो इसलिए आप ग्लिसरीन तो जी जैल है अपने मिक्स करके चंकी तरह फेस से लगाओगे तो थोड़ा किसी होर चीज़ की नीड नहीं पैनी अगर तुम सिर्फ तो सिर्फ ग्लो चाहते हो ग्लास टाइप स्किन चाहते हो। अज जो मैं थोड़ा दसन जा रही है ना स्क्रब प्लस मास्क, तो इन्ना क ज़्यादा इफेक्टिव है ना, इन्ना क ज़्यादा इफेक्टिव आ, थोड़ी स्किन इंस्टेंट मतलब प्लम्पी ग्लो कर दूगा, ये इन्ना ज़्यादा इफेक्टिव आ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਆ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਾਈਸ ਫਲਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਇਹਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਸੀਡਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ 10-15 ਮਿੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਕਿਚਨ ਮੈਸੀ ਹੋਇਆ, ਅਵੋਇਡ ਇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਓ, ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜ਼ੀਕਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2-3 ਵਾਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ।